द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर मामले के मुख्य आरोपी शेर सिंह ने 10 दिन के रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पेपर के बदले भूपेंद्र सारण ने शेर सिंह को 30 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 19,50,000 रुपए उसने महिला मित्र डॉक्टर अनिता मीणा के झुंझुनू के भामरवती वसी बग्गड़ स्थित फ्लैट में छिपा दिए थे। इन्हें एसओजी ने बरामद कर लिया है। आरोपी के अजमेर और सीकर में भी फ्लैट्स हैं। अजमेर स्थित फ्लैट से 2 मोबाइल, लीक हुए प्रश्न पत्र की कॉपियां और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसओजी ने सोमवार को शेर सिंह और रविवार को जयपुर से गिरफ्तार उसके सहयोग विजय कॉलोनी श्री माधोपुर सीकर हाल बेनाड फाटक मुरलीपुरा जयपुर निवासी अरुण उर्फ राजेंद्र पुत्र सावरमल शर्मा को कोर्ट में पेश किया, जहां से शेर सिंह को 2 और अरुण को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अनिता की ओर से जमानत अर्जी पेश हुई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। एसओजी के एएसपी लखन सिंह ने बताया कि शेर सिंह का सहयोगी दोस्त श्रीराम शर्मा अभी फरार है। उसके अंशुल सिटी सीकर रोड जयपुर स्थित मकान से शेर सिंह के अजमेर स्थित फ्लैट की चाबियां बरामद की गई, जहां से 10 अप्रैल को 2 मोबाइल, डोंगल, प्रश्न पत्र की कॉपियां और डायरियां बरामद की गई। और इसके बाद सारण ने जहां 30 लाख रुपए दिए और सुरेश ढाका को शेर सिंह ने जहां पेपर के सेट दिए वहां की मौका तस्दीक की गई। आरोपी अरुण ने बताया कि शेर सिंह ने ही उसे पेपर दिए थे और उसने आगे भेजे थे। लीक पेपर को जहां अशोक नाथावत से पढ़वाया था, उस स्थान की तस्दीक भी एसओजी ने कर दी है। हालांकि नाथावत अभी गिरफ्तारी से दूर है। शेर सिंह की अवैध कमाई को जमीनों में निवेश करने वाली महिला मित्र SBI बैंक की सी स्कीम जयपुर ब्रांच की डिप्टी मैनेजर विद्यानगर जयपुर निवासी अनिता मीणा पत्नी डॉक्टर प्रभु सिंह मीणा की ओर से सोमवार को कोर्ट में जमानत पत्र पेश किया गया। जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन शर्मा व उदयपुर के अधिवक्ता के ओझा ने तर्क दिया कि अनिता पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। उसके फ्लैट से शेर सिंह के रुपए बरामद होने की बात और उसे आरोपी की महिला मित्र बताने की बात भी गलत है। इस पर अपर लोक अभियोजक मुस्तकिल खान ने तर्क दिया कि जिस फ्लैट से राशि बरामद हुई वो अनिता और शेर सिंह के नाम संयुक्त रूप से है। महिला की पेपर लीक मामले में भागीदार है और इस पर अब मंगलवार को सुनवाई होनी है।